जय श्री राम। तो कैसे आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं विनय और आप लोग देख रहे हैं विनय ब्लॉगर चैनल को। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, तो हम लोग स्वेटर में हैं इस समय क्योंकि सर्दी काफ़ी पड़ रही है। और दोस्तों ब्लॉग्स बहुत देरी से आई है क्योंकि इसके लिए सॉरी, और मोबाइल ख़राब होने की वजह से ब्लॉग्स लेट से आई है। अब दोस्तों कोशिश करेंगे कि ब्लॉग्स समय समय पर पड़ता रहे। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग्स डाला था, क्योंकि हमारे यहाँ की धान कट चुकी थी और कैसे कटा था दौरी उरी का सब मैंने वीडियो ब्लॉग्स डाला था, उसके वजह से दोस्तों ब्लॉग्स लेट से आ रही है। तो इस समय मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो कि हमारे यहाँ की जो गेहूँ है वो बुआ चुके हैं और एक पानी भी चल चुका है दोस्तों। तो मैं यहाँ का आप लोगों का सारा नज़ारा दिखाता हूँ। आइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि सब्सक्राइबर हम जल्दी अचीव करें और हमारा हौसला बढ़ता रहे, और शेयर करते रहिए वीडियो को। और हाँ दोस्तों, हम आज आप लोगों को लेकर चलते आगे, जो कि हमारे यहाँ गेहूँ बुआ चुका है पूरा, आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे का। और चलिए आप लोगों को पूरा ब्लॉग। और दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं पुआल है, जो कि धान जब दबाया था तो इसी में से निकला था। मैंने ब्लॉग से उसका बना दिया है, अगर अभी तक लोगों आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग स्कूल पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते थे, उसका भी मैंने दोस्तों वीडियो बना दिया है एक्सरसाइज का। अब ये बोला थे ना सुन बता, स्कूल पे आ चुके हैं जहाँ पे दोस्तों हमने कई ब्लॉग्स बनाया है और एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाया है आपका दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। और आई बटन पर मैंने डाल दिया है, वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जैसा है सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग ठंडी की वजह से यहाँ पे जो कि पुआल है उसको जला दिए, जला कर तापे हैं। और उधर नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पुआल जला जला कर सब तापते सुबह के समय ठंडी की वजह से। तो आइए दोस्तों हम लोग आप लोगों को नज़ारा आगे की तरफ दिखाते हैं, जो कि पुआल वाल गजा है यहाँ पे, जो ठंडी में तापने के उपयोग में आता है। और आगे का भी नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। को दिखाना चाहता हूं, जो कि हमारे यहां का सूखता है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से सूख चुका है। और मैंने एक समय आपका लोगों के वीडियो यहां का वीडियो बनाया था, जो कि बाढ़ आई थी, पूरा पानी पानी हो गया था इधर का नज़ारा, उसका भी वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और देख ही रहे दोस्तों पूरा सूख गया है, मिट्टी उट्टी दिख रही, कहीं कहीं यहाँ थोड़ा सा पानी है सिर्फ वो गड्ढे होने की वजह से। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आओ आओ आप लोग देख सकते दोस्तों यहाँ पर पुआल जो गजा है, जो कि ठंडी में तापने के लिए, और यहाँ पे जो क्या बोला लगे चूल जो बोला जाता है चूल, उसमें लगा चूल, तो जो कि दोस्तों अब इसमें है नहीं, तो अब जो कि चारा के काम में आता है और तापने के काम में ही यहाँ पे आता है। यहाँ कपड़ों को खेत भी दिखा दूँ, जो कि गेहूँ कितने बड़ा बड़ा हुआ है ये दिखाते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, हाँ तो दोस्तों हम खेत में आ चुके हैं, यहाँ पर खेत में पानी चला है, मिट्टी दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है, पूरी गीली मिट्टी है दोस्तों, और गेहूँ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, एक बार पानी भी चल चुका है। आप देख रहे हैं ये लमसम बुआ है, वो इसको 20-25 दिन हो गया होगा, तो एक बार पानी चल चुका है, खाद पानी भी हो चुका है। तो ब्लॉक्स यहीं पर समाप्त करते हैं, चलिए हम आप लोगों को खेतों के बीच में लेकर चलता हूँ और वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। इस नज़ारे का आप लोग भी आनंद लीजिए, और मैं आप लोगों को बीच ऐसे ही दोस्तों ब्लॉक्स अब लाता रहूँगा, डेली कोशिश करूँगा कि डेली मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँ। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लें, और ताकि ऐसे मेहनत करें और आप लोगों के बीच एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें ब्लॉग्स। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को उधर का भी नज़ारा आप लोग को दिखाते चलते हैं बीच का। हाँ तो इस समय दोस्तों हम खेत के बीच में ही पहुंचने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं दोनों ओर खेत है, बीच में ये पतली सी मेढ़ी हुई है, मेढ़ी बांधा गया है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं खेत जो है तो कुछ जमा हुआ है, कुछ जमा ही नहीं है, जो कि बीज लगता ख़राब हो गया होगा या फिर मिट्टी कर के। तो आप लोगों को खेत में सरसों
सरसों को दिखाना चाहते हो दोस्तों आगे, जो कि बोया सरसों बोया गया है, तो वहाँ का भी नज़ारा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। आइए, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए सरसों है, सरसों जो कि दोस्तों अभी छोटा छोटा है, आप लोग देख सकते हैं गेहूं के साथ साथ बोया गया है, क्योंकि फुलाया ना, जब दोस्तों जब फुला जाएगा तो उसका भी मैं ब्लॉग्स लाता रहूँगा आप लोगों के बीच। तो आइए मैं आगे का भी नज़ारा आप लोगों को लेकर चल के दिखाता हूँ। इधर दोस्तों शाम का समय हो चुका है, ठंडी का मौसम है, तो ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ तो दोस्तों अभी शाम हो गया तो धूप ही, इस समय तो दो तीन दिन से यहाँ पर धूप ही नहीं हो रहा, शीत लहरी एकदम पूरा है, एकदम पूरा नज़दीक ही नहीं दिखता, एकदम शीत घेरा रहता है। शाम के माहौल है, शाम का समय है, तो कुछ ठंडा मौसम है और शीत तो काफ़ी है, तो ठंडी बढ़ ज़्यादा है, तो इसी वजह से स्वेटर वेटर हम पहने हैं, इसमें ठंडी पूछ के। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, वीडियो क्वालिटी भी नहीं अच्छी आ रही है। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं घर, अगला ब्लॉग्स जल्द ही आएगा और ब्लॉग्स देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।